ए रुक रुक रुक, आज का जितना लकड़ी चाहिए था सब हो गया, रुक जा। हो गया है, चलो चलो इनको उठाकर ले जाते हैं। हाँ चलो। सेठ जी, ये लकड़ियाँ काट के हो गई हैं। अच्छा, कितनी हुई है? ये देखिए सेठ जी। ठीक है, थोड़ी और लकड़ियाँ लाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, जाकर खाना खा लो, अभी शाम हो गई है, समझे? अच्छा ठीक है सेठ जी। आज ही सुनते हो, खाना तैयार हो गया, आ जाइए खाना खाने। आ रहा हूँ। ये लकड़ी काट काट के हमारी कमर टूट गई, और चाहिए इनको। अरे क्या बोल रहे हो, चलो चलो छोड़ो, अभी खा लेते हैं। अभी देखता हूँ कि गोदाम में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सिर्फ पेट पूजा, देखता हूँ। पता है रतन, हम जहाँ पेड़ काटने जाते हैं ना, वहाँ लोग बोलते हैं कि एक ऐसा पेड़ है जिसे कोई नहीं काट सकता, ऐसा सुना है मैंने। काट नहीं सकता, लेकिन क्यों? सुना है वो पेड़ चमत्कारी है, जब भी कोई उसे काटने के लिए जाता है तो पेड़ में से आवाज आती है कि मुझे मत काटो, आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। चल पागल कहेगा, झूठी झूठी कुछ भी बोलता रहता है। अरे हाँ सच बोल रहा हूँ, पता है हमारे गांव के वो रमेश दादा है ना, वो रातों रात ऐसे अमीर कैसे बन गए पता है? हाँ, उसी पेड़ से उन्हें सब कुछ मिला है। ये एकदम सच बात है, समझे? मैं तो सिर्फ उस पेड़ को ढूंढ रहा हूँ। उस पेड़ को जल्द से जल्द ढूंढ निकालना ही है असली काम। क्यों, जिनको वो पेड़ मिला था तो उन्हीं से जाके क्यों नहीं पूछ लेते? अरे अगर वो बोलने वाला होता तो कोई झमेला ही नहीं था, पर क्या है कि वो बहुत छोटे दिल का है, बस एक बार मुझे वो पेड़ का पता चल जाए तो उफ, सारा झमेला खत्म। अच्छा अगर ऐसा है तो मैं ही क्यों ना जाके देख लूँ उस पेड़ को, लेकिन इन लोगों का, हाँ समझ में आ गया। ओए, तुम यहाँ पर बैठ के गप्पे मार रहे हो, लकड़ियाँ काट कर क्या मेरा ससुर ले जाएगा? अब जल्दी से उठो उठो, और सुनो कल तुम काम पर मत आना, तुम लोगों की छुट्टी है, समझ गए? ठीक है सेठ जी। ठीक है साहब, ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। ना, ये तो वो पेड़ नहीं लगता, सामने वाले पेड़ को जाके देखता हूँ। नहीं ये भी नहीं लगता। ढूंढ के तो मेरी हालत ही खराब हो गई। किधर है वो बोलने वाला पेड़, किधर? आज वो मिलने वाला भी है या नहीं? ढूंढ ढूंढ के सारे पेड़ छान मारे मैंने, पर कुछ भी पेड़ हाथ नहीं लगा, और भूख भी बहुत तेज लगी है मुझे। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो बेटा, और ये पेड़ क्यों काट रहे हो? अरे वाह वाह, वो लगता है ये पेड़ वही है, मुझे पेड़ मिल गया। वाह वाह, क्या किस्मत है मेरी, जल्दी से अब इस पेड़ से मैं सब कुछ मांग लेता हूँ। ना देरी करते हुए, मैं लकड़ी काटने वाला एक लकड़हारा हूँ पेड़ देवता, और लकड़ी काट के बेचने से ही मेरा घर चलता है, इसलिए जंगल में लकड़ी काटने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, लेकिन ये पेड़ ही मेरा घर है, और इसी पेड़ में मैं रहता हूँ, ये पेड़ मत काटो, मेहरबानी करो, तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा।
हाँ दूंगा, बोलो तो क्या चाहिए। तो ये आ गया असली बात में, तो जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे? ठीक है, मिल जाएगा, बोलो तो क्या चाहिए। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारे। ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त पे। कौन सी शर्त? इन सब के बदले मैं तुझसे एक ऐसी चीज मांगूंगा जो तेरे बहुत करीब है और तुझे बहुत पसंद है। तैयार हो? हाँ, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। ठीक है, सही समय आने पर मैं तुमसे ले लूंगा। सारी दुनिया में वो तुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है और उसके बगैर तू एक भी कदम नहीं चल सकता। कोई बात नहीं, मैं अपनी बीवी को ही दे देता हूँ। चलो कोई बात नहीं, उसके बदले नौकरानी काम कर लेगी। ठीक है, आप मेरी पत्नी को ले जाइए। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ देवता, मैं आपका एहसान ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जय पेड़ देवता की जय। भाग्यवान, भाग्यवान, अरे तुम कहाँ चली गई? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ घर पे। अरे जरा यहाँ पर आकर देखो तो सही। ओ, मेरी बीवी को तो देवता ले गए होंगे। चलो कोई बात नहीं। मेरी कब से इच्छा थी कि मैं बहुत ही बड़ा इंसान बनूं और पैसे वाला भी। वाह, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा। आज मैं पैसों की बिस्तर पे सोऊंगा। सुनो दासी, पैसे खत्म होने को आ रहे हैं, अब सोना हीरे जवाहरात मेरे पास नहीं रहे तो मेरे पास कौन आएगा? अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पेड़ देवता के पास होकर आया जाए। जाइए सेठ जी। हाँ जाता हूँ। ए सुनो, पालकी तैयार करो। तुम लोग जाके जंगल के बाहर मेरा इंतजार करो। तुम वापस आ गए, अब तुम्हें क्या चाहिए? पेड़ देवता, मुझे दुनिया की सबसे महंगी महंगी चीजें चाहिए, जैसे का हीरे, चांदी, जवाहरात, ये सब के सब मुझे चाहिए। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त तो याद है ना? हाँ पता है पता है, आपको मुझसे जो जो कुछ चाहिए वो सब कुछ आप ले जाइए। ठीक है, ये लो तुम्हारे हीरे जवाहरात, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हारी दोनों टांगे ले लूंगा। तुम राजी हो ना? हाँ राजी, राजी हूँ मैं। जब मेरे पास सेवक है तो मुझे चलने की क्या जरूरत है। सुनो सेवको, यहाँ पर आओ। देखो देखो दासी, आज मैं कितना अमीर हो गया हूँ। क्या होगा ये अमीर बन के? अपाहिज आदमी, अपाहिज। अब इन सब हीरे जवाहरात से क्या होगा, मुझे अब राजगद्दी चाहिए, राजगद्दी। अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे राजगद्दी चाहिए, राजगद्दी। ठीक है देता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हारे हाथ चाहिए मुझे। राजी? ले जाइए ले जाइए, मेरे पास अनेक सेवक और सेविकाएं हैं, मुझे भला हाथ पैर की क्या जरूरत है। तथास्तु। वाह, अब तो मैं सच में राजा हो गया हूँ, बहुत बड़ा राजा। दासी तुम मेरे सिंहासन में बैठी हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, उठाओ हमारे सिंहासन से, मैं राजा हूँ। आप कहाँ के राजा हो? आप तो सबसे बड़े भिखारी हो। ए, ये भिखारी को लेके जाके जंगल में छोड़ के आ जा, लेके जा, आप भी लेके जा। है? इतनी हिम्मत, ए सेवक सावधान हो जा, मैं बोलता हूँ तुझको, बोला ना, रुक जा। ओ,
हे ऊपर वाले, मेरा ये क्या हाल हो गया? मेरा सब कुछ तो लुट चुका है, अब मेरा आगे का जीवन कैसे कटेगा? ऊपर वाले, आपने जो जो भी दिया था वो सब कुछ ले लीजिए और मेरा जीवन मुझे वापस कर दीजिए, मेरी जिंदगी मुझे वापस कर दो।